मुखिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं कराची पाकिस्तान से फरजाना बात कर रही हूँ। हजरत जी आपको और रहम टीवी टीम को बहुत ज्यादा ईद मुबारक हो और हजरत जी आपके लिए ढेर सारी दुआएं। हजरत जी आपने सिर नूर का अमल बताया था, एक खातून मेरा घर बसने नहीं दे रही तो मैं इसकी दो चिल्ली कर चुकी हूँ। इससे पहले भी आपने सिर नूर का अमल मुझे दिया था पढ़ने के लिए। मैं तलाक याफ्ता नन है जो है वो अभी यहाँ पर भी मैं मेके में हूँ। 1.25 साल से मेरी बेटी गर्म पानी से जल रही थी, उन्होंने इस बात की साजिश करके मुझे वहां से निकलवाया, ना मेरी बेटी का इलाज करवाया। अब यहाँ पर भी ख्वाबों के जरिए आपने तस्दीक की कि जादू टोना मुसलसल कर रही है मुझ पर, मेरी बेटी पर यहाँ जीने नहीं दे रही है। और मैं 5 साल से आपकी वजाइफ कर रही हूँ, अल्लाह ने इसके शर से तो बचाया हुआ है, लेकिन वो खबीस फितरत दुश्मन है जो मौजूद दुश्मन है, जान और माल का बना हुआ है। तो आपने उसके लिए फिर माउन का अमल बताया है 11 दफा का 21 दिन का, लेकिन आपने कहा कि किसी आलम से वेरीफाई करके फिर ये अमल कीजिए, तो एक दुश्मन के लिए हलाकत की बदुआ करें। तो आप या मुझे इसकी इजाजत दे दीजिए, इसके अलावा कोई आसान सा अमल बता दें कि दुश्मन अपने अंजाम को। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हुक्म, अल्लाह फरजाना पाकिस्तान कराची से कॉल कर रही है। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए, आपकी मोहब्बत कबूल फरमाए और जो वज़ाइफ आप कर रही हैं अल्लाह ताला उसका अच्छा असर ज़ाहिर फरमाए। और बाकी दुश्मन के लिए पढ़ना चाहती हैं, अब आप पढ़ लें सूरत तब्बत यदा सूरत लहब। सूरत लहब जो है वो दुश्मन की नीयत से रोज़ाना जो 21 मरतबा पढ़ना है, 21 टाइम, ये मगरब की बात पढ़ना है। अव्वल आखिर जो है वो दुरूशी इसमें नहीं है, और ये मुंह में कोई कड़वी चीज़ पढ़ के लेके पढ़ना, कोई काली मिर्च वगैरह मुंह में चबा लें, मुंह में जायका बदमजा हो जाए, कड़वाहट फील हो, या नीम का पत्ता चबा के बैठें तो गुस्से के साथ आपने पढ़ना है, उस दुश्मन का सब्र करके गुस्से से पढ़ना है। और इसमें दुरूशी नहीं है, और दुश्मन की जो है कि जो भी है उसकी हिदायत अगर किस्मत में नहीं है तो हलाकत, ये नियत करके आपने पढ़ना है। और ये 92 डेज की नियत से शुरू करना है, बहुत ज़बरदस्त मुजरब है, इंशाल्लाह दुश्मन दफ़ा दूर हो जाएगा और रास्ते से हट जाएगा। हर तरह अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे, मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर।